नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारत के सबसे बड़े एकल परमाणु इकाई कुडनकुलम पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है। तमिलनाडु का यह परमाणु प्लांट भारत तथा रूस का एक संयुक्त वेंचर है। भारत ने इससे बचने के लिए रूस के साथ एक कॉपरेशन बनाने की तरफ हाथ बढ़ाया है। साथ ही इंडियन अथॉरिटीज़ ने रशियन अथॉरिटीज़ को बताया है कि यह परमाणु प्लांट पूरी तरह से अभी सुरक्षित है और आगे ऐसे खतरों से बचने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 बनाई जाएगी, जिसमें देश की सभी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। वर्तमान में सभी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी अलग अलग एरिया में अलग अलग रूप से कार्य कर रही हैं और यह भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में स्कूल तथा कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई पर विशेष महत्व दिया जाए। यह एजेंसी देश भर में होने वाले साइबर खतरे तथा साइबर गतिविधियों के खिलाफ लड़ने में भारत को मदद करेगी और साथ ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर भी साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत सरकार को इससे निपटने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करने होंगे। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।